बोल रहे हैं, आइए सुन लेते हैं उनको। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी की सरकार थी, ये बीजेपी वाले कहते थे उन्होंने लूट लिया कांग्रेस वालों ने, तो क्या बीजेपी वालों ने जब उनकी सरकार बनी कांग्रेस वालों को जेल भेजा? नहीं भेजा, सारे मिलजुल के खाते हैं, सबका धंधा चल रहा है। ये कांग्रेस और बीजेपी को उलट पुलट करने से कुछ नहीं होगा, आप गरीब के गरीब रहोगे, लूट जारी रहेगी, ये लूटते रहेंगे, हम इनकी तरफ मुंह उठा के देखते रहेंगे। दिल्ली में भी पहले ऐसी था, दिल्ली में भी पहले बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस यही धंधा चल रहा था। फिर दिल्ली में एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, लोगों की पार्टी, जनता की पार्टी। जब जनता ने देखा कि इन्होंने ड्रामा मचा रखा है, नाटक कर रखा है, नौटंकी कर रही है दोनों पार्टियां, जनता ने मिलकर अपनी पार्टी बना ली कि अब हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अब जनता लड़ेगी चुनाव। इन्होंने चैलेंज करा, हिम्मत है तो चुनाव लड़ के दिखाओ, तो जनता इकट्ठी हो गई, जनता ने अपनी पार्टी बना ली, लोगों ने इतनी वोट दी, इतनी वोट दी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस को 0 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली पहली बार। वही हालत पंजाब में हुई, पंजाब में भी इन्होंने धंधा बना रखा था, बीजेपी अकाली दल एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, 5 साल इनको वोट, 5 साल इनको वोट। वहां पे भी लोगों ने इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी को जिता दिया, भारी बहुमत से जिता दिया। तो लूट तो तभी खत्म होगी जब आप ईमानदार पार्टी लेके आओ। मैं ये देख रहा था, हंसदेव अरण्य जंगल, उसमें कितना कोयला है, कितना कोयला है, कितने पेड़ है, कितनी घना जंगल है, इतनी तरह तरह की उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इतनी जड़ी बूटियां हैं, उनको देख के दोनों पार्टियों की लार टपकती है। दोनों पार्टियां उस जंगल को लूटना चाहती हैं। वो जंगल किसका है, किसका है वो जंगल? छत्तीसगढ़ के लोगों का है कि नहीं है? क्या वो जंगल कांग्रेस का है? क्या वो जंगल बीजेपी का है? क्या वो जंगल अडानी का है? उन्होंने उठा के वो जंगल अडानी को दे दिया, उसका एक हिस्सा उठा के अडानी को बेच दिया, अडानी को दे दिया पौने पौने भाव में कोयला निकालने के लिए। कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं है, लेकिन मोदी जी का एक मुंह वाला भाई है। कौन है? उनका एक मुंह वाला भाई है। आप अपने बेटे से उतना प्यार नहीं करते जितना मोदी जी अपने मुंह वाले भाई से करते हैं। और अगर मोदी जी तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, मोदी जी का मुंह वाला भाई है तो बीजेपी का भी मुंह वाला भाई है कि नहीं है? जब यहां पे भाजपा का शासन था, भाजपा वालों ने कोयले की खदानें उठा के अडानी को दे दी। 2018 में जब चुनाव हुआ, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, राहुल गांधी तीनों आए थे यहां पे, जनता को यहां पे वचन देके गए थे हमारी सरकार बनी हम अडानी से वापस लेंगे कोयले की खदान। बोला था नहीं बोला था? तीनों ने कहा था अडानी को भगा के जाएंगे, बोला था कि नहीं बोला था? जैसे ही इनकी सरकार बनी कांग्रेस की, इन्होंने पहले अडानी के पास एक फेज था, इन्होंने दूसरा फेज भी अडानी को दे दिया। मैं भूपेश बघेल जी से जानना चाहता हूं, बघेल साहब हमें यह तो पता था कि अडानी मोदी जी का मुंह वाला भाई है, ये आपका कब से बन गया मुंह वाला भाई? आपकी इसे दोस्ती कब से, आपकी रिश्तेदारी कब से हो गई अडानी के साथ? मुख्यमंत्री बनने के पहले से दोस्ती थी कि बाद में दोस्ती हुई है? इन्होंने आने के बाद और ज्यादा कोयले की खदानें और ज्यादा
जंगल इनको दे दिया। तो दोस्तों अब अगर आपने इनको और मौका दिया तो आपका पूरा का पूरा वन उठा के सब कुछ अडानी के नाम बेच देंगे, दोनों पार्टियां आपकी बेच देंगी। हमारा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, भगवंत मान का अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी को लाओगे, ईमानदार पार्टी है, हमारा रिश्ता है तो केवल जनता के साथ रिश्ता है। ये सारी खदाने, ये सारे जंगल आपके नाम होंगे, जनता को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों आज इतना भ्रष्टाचार है, पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, भूपेश बघेल जी ये कहते आए कि हम इनका भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आज जनता कह रही है कि इनके जमाने में तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन लोगों ने। आज यहाँ पे खनन माफिया है, आज यहाँ पे रेत माफिया है, आज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट माफिया है, आज यहाँ पे शिक्षा माफिया है, आज यहाँ पे दवाई माफिया, हर किस्म का माफिया है। पहले ये सारे माफिया दिल्ली में भी होते थे, सारे माफिया खत्म कर दिए दिल्ली से। पहले माफिया पंजाब में भी होते थे, एक साल हुआ है केवल, सारे माफिया खत्म कर दिए मान साहब ने। छत्तीसगढ़ में एक मौका दो, सारे माफिया खत्म कर देंगे, सारा पैसा जनता के ऊपर खर्च होना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में काम कराने जाते हो, काम कराने के पैसे देने पड़ते नहीं देने पड़ते? जो पैसे बीजेपी के टाइम में देने पड़ते थे, अब दुगने पैसे देने पड़ते हैं कांग्रेस के टाइम में। दिल्ली में एक पैसा नहीं लेना पड़ा, सारा काम दिल्ली के अंदर बिना पैसे के होता है। सरकारी दफ्तर में एक पैसा नहीं लेना पड़ता, पंजाब के अंदर एक पैसा नहीं लेना पड़ता, बिना पैसे के हर दफ्तर के अंदर काम होता है। छत्तीसगढ़ में एक मौका दीजिए, आपके भी सारे काम बिना पैसे के होने चाहिए। अभी आके कहेंगे बीजेपी वाले कांग्रेस भ्रष्ट है, थोड़े दिन में प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, डबल इंजन की सरकार बना दो, डबल इंजन की। मैं कल कर्नाटक गया था, कर्नाटक में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसको 20% कमीशन वाली सरकार कहते थे, उनके टाइम में 20% कमीशन लगता था हर ठेके पे।